Hello everyone and welcome to my channel. Today in this video, I'm going to cover each and every sonnet and poem which have been prescribed in your course BGC 104. BGC 104 में जितने भी sonnets हैं, poems हैं, आज हम उन सभी poems और sonnet को cover करेंगे इस video में and we will try to have a detailed overview on each and every sonnet and poem. So इस course में there are total 7 sonnets and 1 poem. 7 सोनेट्स है और एक पोएम है. एट द सेम टाइम 3 सोनेटियर्स के बारे में भी पढ़ना है, जैसे एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर और जॉन डन. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सोनेट क्या होता है. सो जो वर्ड है सोनेट, ये सोनेटो वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग्स. ठीक है, एंड सोनेट क्या होता है? सोनेट एक शॉर्ट पोएम होता है एंड सोनेट में देयर आर 14 लाइंस. कितने लाइंस होते हैं? 14 लाइंस होते हैं. सो यू कैन से कि अ सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम. एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोनेट. दो तरह के सोनेट होते हैं, एक पेट्रार्कन सोनेट जिन्हें हम लोग इटालियन सोनेट भी कहते हैं, और एक इंग्लिश सोनेट जिसे शेक्सपियरियन सोनेट भी हम लोग कहते हैं. सो पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव और सेस्टेट होता है. ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन का एक स्टैंजा एंड सेस्टेट यानी 6 लाइन का एक स्टैंजा. एंड इंग्लिश सोनेट में या शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वाट्रेंस होता है और एक कपलेट होता है. सो क्वाट्रेन मतलब 4 लाइन का एक स्टैंजा. सो देयर विल बी अ 3-4 लाइन स्टैंजास और अ कपलेट, 2 लाइन का एक स्टैंजा जिसे हम लोग कपलेट बोलते हैं. ठीक है, सो पहले सोनेटियर है एडमंड स्पेंसर एंड इनका टाइमलाइन है 1552 टू 1599. एंड एडमंड स्पेंसर कौन थे? एडमंड स्पेंसर एक एलिजाबेथन पोएट थे एंड ही लिव्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ दी फर्स्ट. एंड चार्ल्स लैम्ब ने एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट भी कहा था. नाउ लेट अस लुक एट द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ एडमंड स्पेंसर. सो एडमंड स्पेंसर ने 1579 में द शेफर्ड कैलेंडर को पब्लिश करवाया था. एंड शेफर्ड कैलेंडर्स में देयर आर टोटल 12 एक्लॉग्स और हर एक एक्लॉग एक मंथ को डेडिकेट करता है या रिप्रेजेंट करता है. फिर उन्होंने 1590 में फेरी क्वीन का 3 बुक्स को पब्लिश करवाया था. एंड ये जो फेरी क्वीन है, फेरी क्वीन एक एलिगरी है. ठीक है, फिर उन्होंने 1595 में एपिथेलमियन को भी पब्लिश किया था. एपिथेलमियन एक ब्राइडल सॉन्ग है एंड इन्होंने ये वर्क अपनी वाइफ एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखा था. फिर इन्होंने 1595 में एमोरिटी को पब्लिश किया था. एमोरिटी क्या है? एमोरिटी एक सोनेट सीक्वेंस है ऑफ लव पोएम्स. एंड एमोरिटी जो वर्ड है ये एमोर शब्द से आया है जिसका मतलब है लिटिल लव्स. ठीक है, एंड इन्होंने इस वर्क को अपनी वाइफ एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखा था. अब एमोरिटी में बहुत सारे सोनेट्स हैं, उनमें से हमें 3 सोनेट को पढ़ना है. सोनेट 57, फिर सोनेट 67 एंड सोनेट 75. सो स्वीट वॉरियर लाइक एज अ हंट्समैन और वन डे आई रोट हर नेम. सो हर एक सोनेट के ऊपर हम लोग अभी एक डिटेल्ड ओवरव्यू को देखेंगे. सो उससे पहले जो वर्क है एमोरिटी, इसमें इन्होंने लव पोएम्स लिखे हैं एंड हर एक पोएम में, हर एक सोनेट में हमें इमोर्टैलिटी ऑफ लव थीम देखने को मिलता है और दो लवर्स के बीच में जो स्ट्रगल होता है वो हमें देखने को मिलता है. सो जो सोनेट 15 है उसको हम लोग स्वीट वॉरियर भी बोलते हैं. एंड इस सोनेट में जो पोएट है वो अपने लवर को स्वीट वॉरियर कह के पुकारते हैं. सो इन दिस सोनेट द पोएट कॉल्स हिज लवर अ स्वीट वॉरियर. स्वीट वॉरियर कह के पुकारते हैं एंड ही वांट्स टू हैव पीस विद हर. एंड वो जो पोएट है वो अपने लवर के साथ पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं. ठीक है, बिकॉज दोनों के बीच में अभी क्या चल रहा है? वॉर चल रहा है. द पोएट इज नॉट एबल टू टॉलरेट हर कंटिन्यूअस अटैक्स and he wants to end the war now. So दो lovers के बीच में अभी war चल रहा है and poet की जो lover है वो poet के ऊपर continuously attack किए जा रही है and जो poet है वो अब उसे tolerate नहीं हो रहा है, अब उसे सहन नहीं हो रहा है and वो जो poet है वो अब इस war को खत्म करना चाहते हैं. He wants to end the war now. द पोएट हैज़ बिकम वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं एंड उनके जो घाव है जो उनके लवर ने उन्हें दिए हैं वो बहुत ज़्यादा हरे हो गए हैं. एंड ही डाउट्स और वंडर्स इफ ही कैन लिव अ लिटिल. अब उन्हें डाउट हो रहा है कि अब वो थोड़ी देर भी जिंदा रह पाएंगे.
The poet tells her that she will get no glory in slaying the person who wants to live with her. So poet अपने लवर से कहते हैं कि तुम्हें कोई भी ग्लोरी नहीं मिलेगा, ठीक है, उस इंसान को मार के जो इंसान तुम्हारे साथ रहना चाहता है, जो इंसान तुम्हारे होके रहना चाहता है। अब लास्ट कपलेट में पोएट कहते हैं कि देयरफोर द पोएट आस्क्स हिज लवर टू मेक पीस, इसीलिए तुम शांति बनाओ, एंड लेट अस यूनाइट टुगेदर, हमारा यूनियन होने दो, एंड तुम्हारे प्यार और तुम्हारे वॉर्म से मेरा जो घाव है वो भी बहुत जल्दी भर जाएगा, ठीक है। विथ हर लव एंड वॉर्म हिज वुंड्स विल बी हील्ड। सो ये था सोनेट नंबर 57, स्वीट वॉरियर। नाउ नेक्स्ट सोनेट है सोनेट नंबर 67, एंड इसको हम लोग लाइक एज अ हंट्समैन भी बोलते हैं। सो इस सोनेट में जो पोएट है वो अपने आप को एक हंट्समैन बताते हैं, यानी कि एक शिकारी बताते हैं, और अपने लवर को वो एक प्रे की तरह देखते हैं और डियर की तरह देखते हैं। सो हियर इन दिस सोनेट द पोएट इज द हंट्समैन एंड द प्रे डियर इज हिज लवर। द पोएट हैज ट्राइड चेजिंग हिज लवर एंड ही सिट्स डाउन इन अ शेडी प्लेस। सो जो पोएट है वो अपने लवर को चेज कर रहे हैं, एंड चेज करते करते वो थक चुके हैं और वो एक शेडी प्लेस में जाके बैठते हैं। एंड वहां पे वो क्या देखते हैं कि सामने में जो झील है, जो ब्रूक है, वहां पे उसकी लवर अपने आप आती है अपने प्यास को बुझाने के लिए, और पोएट को एक माइल्ड लुक देती है, प्यार भरे निगाहों से वो देखती है, और वो जो लवर है, वो जो डियर है, वो खुद ब खुद उस पोएट के पास और हंट्समैन के पास आ जाती है ताकि वो उसको खुश देख सके, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर आइडिया ऑफ दिस सोनेट, लाइक एज अ हंट्समैन। फिर है सोनेट नंबर 75, वन डे आई रोट हर नेम। एंड ये जो सोनेट है, इस सोनेट में हमें इमोर्टैलिटी ऑफ लव देखने को मिलता है। सो इन दिस सोनेट द पोएट ट्राइज राइटिंग द नेम ऑफ हिज लवर ऑन द सैंड, बट द टाइड कम्स एंड वॉशेस अवे द नेम। इस सोनेट में जो पोएट है वो अपनी लवर का नाम सैंड में लिखते हैं, बालू में लिखते हैं, लेकिन जितना बार भी वो अपने लवर का नाम लिखते हैं उतना बार ही वो जो टाइड है, वो जो पानी की जो वेव है, वो आती है और उस नाम को मिटा के चली जाती है, ठीक है। सो जो लवर है, पोएट की जो लवर है, वो पोएट से पूछती है कि क्या तुम एक मॉर्टल चीज को इमॉर्टल बनाना चाहती हो। सो द पोएट सेज दैट हिज लवर विल बिकम इमॉर्टल इन हिज वर्सेस और पोएम्स। तो पोएट अपने लवर से कहते हैं कि तुम मेरे पोएट्री में, मेरे वर्सेस में हमेशा इमॉर्टल रहोगी, हमेशा अमर रहोगी, ठीक है, पीपल विल रिमेम्बर यू। सो दिस पोएम हैज एक्सप्लोर द इमॉर्टैलिटी ऑफ लव बिटवीन द टू लवर्स। सो आप इस सोनेट को अगर ध्यान से पढ़ोगे, देन यू विल रियलाइज कि ये जो सोनेट है ये इमॉर्टैलिटी ऑफ लव को एक्सप्लोर किया है बिटवीन द टू लवर्स। सो दिस वॉज द थ्री सोनेट्स बाई एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट सोनेटियर है विलियम शेक्सपियर, एंड इनका टाइमलाइन था 1564, ही वॉज बॉर्न इन 1564 एंड ही डाइड ऑन 26th of April 1616, ठीक है। एंड विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्ले राइट थे, यानी कि ड्रामास लिखते थे, ड्रामेटिस्ट, पोएट भी थे और एक्टर भी थे, ठीक है, पहले वो एक्टिंग करते थे प्लेज में। ही इज ऑल्सो कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोइट, इन्हें इंग्लैंड्स नेशनल पोइट भी कहा जाता है, और इन्हें बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है, बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, एवन नदी के सामने वो पैदा हुए थे, ठीक है, वहां पे वहीं पे उनका घर था, इसीलिए इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। ही वॉज बॉर्न इन 1564 इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था 1564 में, एंड ही हैड रिटन 39 प्लेस, 39 प्लेस से भी ये ज़्यादा प्लेस लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं और लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी लिखे हैं, एंड ही लिव्ड ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड और जैकोबिन पीरियड। नाउ इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं, एंड इस कोर्स में हमें इनके द्वारा लिखे गए तीन सोनेट्स को पढ़ना है, सोनेट नंबर 18, फिर सोनेट नंबर 55, एंड देन आई होप सोनेट नंबर 75। तो सोनेट नंबर 18 क्या है, शैल आई कंपेयर दी, इनको इस सोनेट को हम लोग शैल आई कंपेयर दी से भी जानते हैं, एंड इस सोनेट में तीन क्वाड्रेंट्स है और एक कपलेट है। सो दिस सोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ इंग्लिश सोनेट, एंड इस सोनेट का मीटर क्या है,
आयाम्बिक पेंटामीटर, और इस सोनेट का राइम स्कीम क्या है, ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी। ठीक है, ये सब चीजें टेक्निकल चीजें आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है। सो दिस सोनेट बिगिंस विद अ रेटोरिकल क्वेश्चन, ये जो सोनेट है एक क्वेश्चन से शुरू होता है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ठीक है, तो इस सोनेट में क्या होता है कि जो पोएट होते हैं वो अपने लवर को एक समर के दिन के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, बिकॉज समर का जो दिन होता है वो बहुत ज़्यादा सुहाना होता है, बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता है। ठीक है, फिर पोएट कहते हैं, द पोएट सेज दैट हिज बिलवड इज मोर लवली एंड मोर प्लीजेंट दैन अ समर्स डे। वो कहते हैं कि मेरी जो बिलवड है, मेरी जो प्रेमिका है, वो एक समर डे से भी बहुत ज़्यादा प्लीजेंट है और बहुत ज़्यादा लवली है। फिर द पोएट सेज द रफ विंड्स शेक द लवली एंड टेंडर बर्ड्स ऑफ मे, समटाइम्स सन ऑल्सो शाइन्स ब्राइटली बट हिज ब्राइटनेस ऑल्सो डिम्स एंड द ब्यूटी ऑफ एवरी ब्यूटिफुल थिंग डिटोरिएट्स और डिक्रीज विद द एक्शन ऑफ टाइम। फिर पोएट कहते हैं कि जो मे की मंथ में जो बर्ड्स यू नो उगती है, वो बर्ड को भी जो रफ विंड्स होती है उसको हिला देती है, स्पॉयल कर देती है, यहाँ तक कि जो सन होती है, ठीक है, सन यानी कि सूरज जो ब्राइटली आसमान में चमकती है, लेकिन एक टाइम उसका भी आता है जब उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है, और इस दुनिया में जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, उसकी सुंदरता एक ना एक दिन क्या होती है, कम हो जाती है विथ टाइम। बट हिज बिलवड्स ब्यूटी विल नेवर फेड अवे, नॉट इवन डेथ कैन टेक हर ब्यूटी अवे। लेकिन पोएट बोलते हैं कि लेकिन मेरी बिलवड की जो ब्यूटी है, मेरी प्रेमिका की जो सुंदरता है, वो कभी भी कम नहीं होगी, विल नेवर फेड अवे, ना ही जो मृत्यु है, मृत्यु भी उससे उसकी सुंदरता नहीं छीन पाएगी। ये पोएट अपनी बिलवड के लिए कहते हैं। द पोएट सेज दैट योर ब्यूटी विल बिकम इटर्नल, तुम्हारा जो ब्यूटी है वो इटर्नल होगा, ठीक है, वो अनंत होगा, इन माई लाइन्स मेरे पोइट्री में, एज लॉन्ग एज ह्यूमन लिव एंड कैन सी हर ब्यूटी विल लिव एंड गिव लाइफ टू अदर्स। यानी कि जब तक तुम मेरे पोइट्री में जिंदा हो, तब तक तुम्हारा जो सुंदरता है तब तक अमर रहेगा, इटर्नल रहेगा, और ये जो तुम्हारी सुंदरता है वो दूसरों को भी जीवन देगा। सो दिस इज द एंटायर यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सोनेट, सोनेट नंबर 18, शैल आई कंपेयर दी। फिर सोनेट नंबर 55 को पढ़ना है, नॉट मार्बल नॉर गिल्डेड। सो ये भी एक शेक्सपियरियन सोनेट है, इट हैज थ्री क्वाट्रेन्स एंड अ कपलेट, एंड मीटर इसमें आयाम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। फिर राइम स्कीम है ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी। ठीक है, ये राइम स्कीम है। एंड द पोएट बिगेन्स सेइंग दैट माई लाइन्स आर मोर पावरफुल देन द मोन्यूमेंट्स मेड अप ऑफ एक्सपेंसिव मार्बल्स। सो इस सोनेट में पोएट कहते हैं कि मेरा जो लाइन्स है, मेरा जो पोएट्री है, वो इन मोन्यूमेंट्स से जो मार्बल से बने होते हैं, जो बहुत ही महंगे महंगे मार्बल से बने होते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा क्या है, पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? बिकॉज ये जो मॉन्यूमेंट्स है, गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स है, ये एक विद द टाइम क्या होता है, इनकी सुंदरता भी क्या होती है, कम होती जाती है, लेकिन मेरी जो पोइट्री है, मेरे जो लाइन्स है, वो इतनी पावरफुल है कि विद टाइम भी इसकी सुंदरता कम नहीं होगी। द पोएट सेज दैट हिज बिलवड विल ऑलवेज शाइन इन हिज पोइट्री और लाइन्स बट द ब्यूटी ऑफ दीज गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स विल फेड अवे विद टाइम। सो आई जस्ट टोल्ड यू कि पोएट कहते हैं कि इनकी जो बिलवेट है, इनकी बिलवेट की जो सुंदरता है वो हमेशा यू नो जिंदा रहेगी, इनके लाइन्स में हमेशा चमकेंगी, लेकिन ये जो गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स है, ये जो एक्सपेंसिव मार्बल्स है, इनकी जो सुंदरता है, ये समय के साथ क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। द पोएट सेज वॉर डिस्ट्रॉयज एवरी ब्यूटिफुल थिंग, जो वॉर होता है यानी जो युद्ध होता है, वो हर एक खूबसूरत चीज को बर्बाद कर देता है, जैसे स्टैचूज, गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, लेकिन ये जो लाइन्स है यानी कि मेरा जो पोइट्री है, उसे कोई भी बर्बाद नहीं कर पाएगा, नॉट इवन द स्वॉर्ड ऑफ मार्स। मार्स का जो तलवार है, मार्स कौन है, गॉड ऑफ वॉर, उनका जो तलवार है वो भी मेरे लाइन्स को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। The poet says, "You will always be above death and enmity."
इवन यू विल बी प्रेज्ड बाय द फ्यूचर जनरेशन। पोएट कहते हैं कि तुम्हें मेरी बिलवेड को फ्यूचर जनरेशन भी क्या करेगी, प्रेज करेगी, उसकी प्रशंसा करेगी। द पोएट सेज दैट हिज बिलवेड विल ऑलवेज बी अलाइव एंड ड्वेल इन द आईज ऑफ द लवर्स। यानी कि इस दुनिया में जितने भी लवर्स हैं उन लवर्स की आंखों में पोएट की बिलवेड ड्वेल करेगी, वहां पे रहेगी, ठीक है। एंड हिज बिलवेड विल ऑलवेज बी प्रेज्ड, विल ऑलवेज बी लव्ड। सो दिस इज द सोनेट, सोनेट नंबर 55, नॉट मार्बल नॉर गिल्डेड। फिर हमें सोनेट नंबर 65 को पढ़ना है, सिंस ब्रास नॉर स्टोन। ये भी एक एलिजाबेथन सोनेट है। इट हैज थ्री क्वाट्रेंस एंड अ कपलेट। मीटर इसमें आयाम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है और राइम स्कीम है ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी। नाउ दिस पॉइंट, दिस पोएम बिगिंस सेइंग दैट नॉट एवरीथिंग इज इमॉर्टल, नॉट इवन ब्रास स्टोन अर्थ और बाउंडलेस सी। सो इस पोएम में क्या होता है, सोनेट में जो पोएट है वो कहते हैं कि मतलब हर एक चीज इमॉर्टल नहीं होती है, अमर नहीं होती है। यहाँ तक कि जो ब्रास यानी कि जो मेटल है, ब्रास एक तरह का मेटल है, वो भी इमॉर्टल नहीं है, स्टोन भी इमॉर्टल नहीं है, अर्थ भी इमॉर्टल नहीं है और बाउंडलेस सी भी इमॉर्टल नहीं है। When these things cannot withstand the power of mortality, how can his beloved's tender beauty will? अब यहाँ पे जो पोएट है वो कहते हैं कि जब ये सब चीजें इमॉर्टल नहीं है, जब ये सब चीजें विथ टाइम क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो तुम्हारा जो खूबसूरती है यानी कि पोएट के बिलवेट की जो खूबसूरती है वो कैसे यू नो इमॉर्टल हो पाएगी। So the poet says, even the impregnable rocks become weak with time and the gates of steel also rust. Poet कहते हैं कि जो impregnable rocks है यानी कि जिन चट्टानों को हम लोग भेद नहीं सकते हैं उसे impregnable बोलते हैं, तो वो भी समय के साथ क्या होता है, कमजोर होता है, ठीक है। और जो स्टील का जो गेट होता है वो इतना इतना स्ट्रांग होता है, लेकिन समय के साथ उसमें भी क्या होता है, जंग लग जाता है। The poet asks, Where should I hide the beauty from the action of time? अब यहाँ पे poet question पूछते हैं कि मैं अपनी beloved की जो beauty है, खूबसूरती है, वो time के action से कहाँ छुपाऊँ? Because जो time है वो हर खूबसूरत चीज़ को बर्बाद कर देती है, फीका बना देती है। Who can stop the time? समय को कौन रोक सकता है? Who can protect your beauty from getting spoiled? तुम्हारे खूबसूरती को बिगड़ने से, तुम्हारी खूबसूरती को बर्बाद होने से कौन बचा सकता है? Unless these miracle happens, you shall sign in my lines. जब तक ये सभी चीजें नहीं हो जाती है तब तक तुम मेरे पोएट्री में, मेरे वर्ड्स में शाइन करोगी, चमकोगी, मेरे लाइन्स में इमॉर्टल रहोगी। सो दिस इज द सोनेट, सोनेट नंबर 65, सिंस ब्रास नॉर स्टोन। अब नेक्स्ट सोनेटियर है जॉन डन। इनका टाइमलाइन है 1572 to 1631। अब जॉन डन कौन थे? जॉन डन एक इंग्लिश पोएट थे एंड ही वॉज अ स्कॉलर ऑल्सो। ही वॉज बॉर्न इन 1572 इंग्लैंड। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1572 में। एंड जॉन डन वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट एंड फॉर हिज पोएट्री ही वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड। सो जॉन डन कौन थे? एक मेटाफिजिकल पोएट थे और अपनी पोएट्री के वजह से इनको बहुत सारा यू नो क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा था इनिशियली, बट आफ्टर हिज डेथ कुछ समय बाद इनके पोइट्री को बहुत ज़्यादा सराहना भी दिया गया था, राइट। सो इनिशियली ही वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड। एंड इनके फेमस वर्क्स हैं डेथ बी नॉट प्राउड, वेलेडिक्शन अ फॉरबोडिंग फॉरबिडन मॉर्निंग, देन द गुड मॉरो एंड द फ्ली। एंड जॉन डन के द्वारा लिखे गए एक सोनेट को हम लोग को पढ़ना है, विच इज होली सोनेट। उन्होंने एक होली सोनेट का सीरीज को पब्लिश किया था, उनमें से हमें सोनेट नंबर 10 को पढ़ना है, दैट बी नॉट प्राउड, और एक पोएम को पढ़ना है विच इज सन राइजिंग। अब इस पोएम में क्या है, देयर आर थ्री स्टैंजास एंड इस पोएम में जो पोएट है वो सन को क्या करते हैं, डांटते हैं, अब्यूज करते हैं, ठीक है। सो इन दिस पोएम द पोएट स्कोल्ड्स एंड अब्यूसेस द सन बाय कॉलिंग इट अ फूल, अनरूली, सॉसी, पेडांटिक एंड रिच।
इस पोएम में जो पोइट है वो सन को डांटते हैं, अब्यूज करते हैं, और सन को क्या बुलाते हैं, एक फूल बुलाते हैं, बुड़बक बुलाते हैं, अनरियली यानी कि अनकंट्रोल्ड, सॉसी यानी डिसरिस्पेक्टफुल, सन को डिसरिस्पेक्टफुल कह के पुकारते हैं, पेडांटिक यानी ऑर्थोडॉक्स, और रिच यानी विकेट। तो ये सब चीजों से वो सन को एड्रेस करते हैं। बिकॉज द सन रेज कम थ्रू द विंडोज कर्टन्स एंड वेक द टू लवर्स अप। एंड ये जो पोएट है वो सन को ये सब क्यों कहते हैं, बिकॉज जो सन है उनकी जो रेज है वो खिड़की से, उसके बाद पर्दों से दो लवर्स के बेडरूम में वो क्या करती है, वो घुस जाती है एंड उन लवर्स को उठा देती है सुबह सुबह। The poet asks if the lover need to do things according to the sun. A poet कहते हैं sun से कि क्या तुम्हारे हिसाब से हम lovers को चलना होगा। The poet asks the sun to go and scold the children who are getting late for school. So poet कहते हैं कि जाओ और उन बच्चों को जाके डांटो जो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। The poet asks the sun to go and inform the courtier that the king will go hunting. पोएट कहते हैं कि जाओ उन कोर्टियर को जाके इन्फॉर्म करो कि जो किंग है, जो राजा है, वो हंटिंग पे निकलेंगे, वो हंटिंग पे जाएंगे। द पोएट आस्क्स द सन टू गो एंड कॉल द फार्मर टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स। पोएट कहते हैं, किसान को कहते हैं कि जाओ तुम फार्मर्स लोग को उठाओ जाके, उनको बोलो कि जाके फसल काटे। द पोएट सेज दैट द लवर इज अनचेंज्ड, सॉरी द पोएट सेज दैट द लव इज अनचेंज्ड or unaffected by the changing seasons, climate, hours, days and months. So poet कहते हैं कि जो प्यार है वो unchanged होता है, वो मतलब प्यार को किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, और जो मौसम बदलते हैं, जो क्लाइमेट बदलता है, hours, days और months, इन सभी चीजों से जो प्यार है वो unaffected होता है, ठीक है, उसमें कोई असर नहीं होता है। सेकेंड स्टैंजा में द पोएट आस्क द सन वाई शुड यू थिंक दैट योर रेज आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट। सेकेंड स्टैंजा में जो पोएट है वो सन से पूछते हैं कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा जो रेज है, तुम्हारी जो किरणें हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ब्राइट है और पूजा करने योग्य है। द शाइन ऑफ माई बिलवेड आईज कैन ब्लाइंड यू। अब पोएट कहते हैं कि मेरी जो बिलवेड है, मेरी जो प्रेमिका है, उनकी आँख कि जो रोशनी है वो तुम्हारे आंखों को ब्लाइंड कर सकती है, अंधा बना सकती है। स्टैंजा थ्री में द पोएट सेज दैट हिज लवर इज हिज एंटायर वर्ल्ड। स्टैंजा थर्ड में पोएट कहते हैं कि उसकी जो लवर है वो उसके लिए पूरा दुनिया है। एंड एवरी किंग स्पाइस माइन और स्टेट इज प्रेजेंट विद इन हर, हेंस द वर्ल्ड हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद इन द बेड चेम्बर्स। एंड वो कहते हैं कि मेरी बिलवेड के अंदर ही सब कुछ मौजूद है, सभी दुनिया मौजूद है, सारे स्टेट्स मौजूद है, सारे किंगडम्स मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, और हमारी जो दुनिया है वो हमारी बेडरूम है। सो दिस इज द एंटायर आइडिया ऑफ द पोएम। एंड इन दिस पोएम द पोएट एक्चुअली स्कोल्ड्स द सन। ओके, फिर हमें एक सोनेट पढ़ना है बाय जॉन डन। ये इनका होली सोनेट सीरीज से लिया गया है एंड दिस इज सोनेट नंबर 10। सो डेथ बी नॉट प्राउड। एंड इसको लिखा गया था 1609 में, बट इट वाज पब्लिश्ड इन 1633। एंड ये पेट्राकन स्टाइल में लिखा गया है, विच मींस इसमें एक ऑक्टेव है और एक सेस्टेट है। ऑक्टेव यानी 8 लाइन का एक स्टैंजा एंड सेस्टेट यानी एक 6 लाइन का स्टैंजा। So, इस पोएम में क्या होता है, इस पोएम में जो पोएट है वो डेथ को क्या करते हैं, डांटते हैं एंड कहते हैं कि डेथ बी नॉट प्राउड, यानी कि डेथ घमंड मत करो। सो डेथ इज टोल्ड नॉट टू बी प्राउड एज सम मे हैव कॉल्ड हिम माइटी एंड ड्रेडफुल। सो पोएट कहते हैं कि डेथ घमंड मत करो, तुम्हें किसी ने कहा होगा कि तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो और ड्रेडफुल यानी कि भयानक हो, बट यू आर नॉट सो, बट ही इज नॉट सो। The poet emphasizes on the idea that no one dies. Poet इस idea पे emphasize करते हैं कि कोई भी मरता नहीं है और जो death है वो किसी को मार नहीं सकता है। और इस poem में death को short sleep के साथ equate किया गया है, जो death है वो एक short sleep की तरह होता है, और जब हम लोग उस नींद से उठते हैं तो we wake up eternally. So the death has been equated with sleep and rest.
The poet says that death is slave to fate, chance, kings and desperate men. So poet कहते हैं कि जो death है वो खुद ही एक गुलाम है, तुम खुद ही एक गुलाम हो, और तुम किस चीज के गुलाम हो, तुम fate के गुलाम हो, chance के गुलाम हो, kings के गुलाम हो और desperate men के गुलाम हो. और death dwells in poison, war and sickness. और जो death है वो कहाँ पे रहती है, poison यानी जहर में रहती है, war में रहती है और sickness में रहती है. एंड डेथ इज लाइक अ शॉर्ट स्लीप. और डेथ क्या है, एक शॉर्ट स्लीप यानी छोटी सी नींद के समान है. व्हेन वी वेक अप इटर्नली, सो डेथ यू डाई नॉट वी. और जैसे ही हम लोग उस शॉर्ट स्लीप से उठते हैं, हम लोग हमेशा के लिए जाग जाते हैं. वी वेक अप इटर्नली एंड उसके बाद जो डेथ होता है वो खुद ही मर जाता है. ठीक है, देन देयर इज नो डेथ. तो पोएट कहता है कि डेथ यू डाई नॉट वी. So this is the poem Death Be Not Proud, and I have given you a detailed overview on each and every poem or sonnet. So I hope you understood everything whatever I just told you or shared with you. So if you have understood, then please give it a like and do subscribe to my channel for more videos like this. Till then, bye bye and happy learning.